एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो देखिए बेटा, हमने अपनी पिछली कक्षा में हमारा पाठ संख्या 4 पेड़ की पाठ का अध्ययन किया और उसे समझा। तो आज हम इस पाठ के आने में अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। तो आप सभी को जो मैं आज के प्रश्नों पर आपके बोर्ड पर करवाऊंगी उन्हें आपको अपनी नोटबुक में करना है और साथ ही साथ आपको ये काम करते जाना है ताकि आपके ऊपर तो बर्डन ना आए और साथ ही साथ इनको याद भी करते रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बेटा, हमारा पहला प्रश्न है मौखिक उत्तर। तो उसमें पहला प्रश्न है भट्टाचार्य जी कैसे व्यक्ति थे। तो हमारे पास के अंदर जो पंडित जी है जिनका नाम है भट्टाचार्य, तो उनके बारे में पूछा गया है कि वो कैसे व्यक्ति थे। तो देखिए हमारा प्रश्न संख्या 1। भट्टाचार्य जी कैसे व्यक्ति थे, ये हमारा पहला प्रश्न है। तो हमें इस प्रश्न में उनके स्वभाव के बारे में बताना है कि वो कैसे थे। तो इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे, उत्तर होगा हमारा भट्टाचार्य जी सीधे साधे भले शिष्ट सीधे साधे भले शिष्ट तथा कांग्रेस किसकी जरूरत पड़ी।
देखिए बेटा मैं एक बार बोलती हूँ क्या लिखा है, भट्टाचार्य को किसकी जरूरत पड़ी। तो इसका उत्तर हमने लिखा, भट्टाचार्य को सरसों के तेल की जरूरत पड़ी। यानी एक दिन अचानक से उनके घर में सरसों के तेल की जरूरत पड़ी थी। तो इस प्रकार ये था हमारा प्रश्न संख्या एक का क और ख। एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम आगे के प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। अब हमारा जो प्रश्न संख्या 3 है, पूरे बेल के गले में क्या है, जो पूर्ण का बेल था उसके गले में क्या है। लिखते हैं बैल के गले में क्या उसके बाद जो सही उत्तर है
लिखा है तो आपको भी अपनी नोटबुक में पूरे ऑप्शन लिख के फिर कंप्लीट कर लिखना, डायरेक्ट आंसर कोई नहीं लिखेगा। तो चलिए पहला जो प्रश्न था हमारा, पंडित जी उल्लू वाले के पास क्यों गए, तो इसका उत्तर हमने क्या लिखा, तेल लेने। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, कोल्लू को घुमा रहा था तो कोल्लू को कौन घुमा रहा था। देखिए हमारा प्रश्न संख्या दो, कोल्लू को घुमा रहा था, तो अब कोल्लू को कौन घुमा रहा था, इसका क्या आंसर होगा। हमारे ऑप्शन थे इसके घोड़ा, दूसरा ऑप्शन है मेरा बैल, तीसरा ऑप्शन है हाथी और अंतिम जो हमारा ऑप्शन है वो क्या है, पंडित जी। तो देखिए बेटा एक बार फिर से आपके सामने ये प्रश्न और इसके ऑप्शन बोलते हैं, उसके बाद आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या है। तो पहले हमारा प्रश्न संख्या था है, कोल्लू को घुमा रहा था, यानी कोल्लू को कौन घुमा रहा था। तो इसके ऑप्शन है घोड़ा, बैल, हाथी या फिर पंडित जी। तो इन चारों में से कोल्लू को कौन घुमा रहा था, तो आपको इसका उत्तर आ रहा होगा, क्या होगा इसका उत्तर, कोल्लू को बैल घुमा रहा था। तो हमारा उत्तर क्या होगा, बैल। तो इसके बाद ये हमारे एमसीक्यूज के कहा और बाकी अगले एमसीक्यूज की बात हूँ करने से पहले आप एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, देख लीजिए, और जिसके पास बुक है वह बुक में टिक लगा लें, और जिसके पास बुक नहीं है वह नोट डाउन कर लें। अब देखिए बेटा हमारा जो एक अंतिम एमसीक्यू का प्रश्न है वो है, पंडित जी का नाम था, यानी पास में जो पंडित जी आए थे उनका नाम क्या था। तो देखिए मैं लिख देती हूँ, पंडित का नाम था, पंडित का नाम था, तो इसके ऑप्शन में भास्कराचार्य, भास्कराचार्य, दूसरा ऑप्शन है भट्टाचार्य, भट्टाचार्य, तीसरा ऑप्शन है सुखीराम, और हमारा अंतिम जो ऑप्शन है वो है हसमुखराम। क्या नाम है अंतिम, हसमुखराम। तो हमारा जो प्रश्न है ये चारों ऑप्शन है एक बार बोल देती हूँ, पंडित का नाम था, भास्कराचार्य, भट्टाचार्य, सुखीराम, हसमुखराम, यानी इन चारों ऑप्शन में से सही उत्तर क्या होगा। तो हमने जब ये पाठ शुरू किया था उसी समय पंडित जी का नाम आया था, क्या नाम था पंडित जी का, भट्टाचार्य। तो हमारा ऑप्शन नंबर टू सही होगा, भट्टाचार्य। तो एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए बेटा अब जो हमने प्रश्न संख्या एक और दो कर दिए, अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या तीन, जो है उचित मिलान करो, यानी दो अलग अलग स्तंभ दे रहे हैं, स्तंभ अ उसमें कुछ शब्द दे रखे हैं और फिर एक स्तंभ दे रखा है ब उसमें भी कुछ शब्द दे रखे हैं, तो हमें उन दोनों का उचित मिलान करना है, सही मिलान करना। तो मैं एक बार लिख देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो देखिए बेटा हमारा प्रश्न संख्या तीन है, उचित मिलान करो, उचित मिलान करो। तो एक बार मैं इनके दोनों स्तंभ लिख देती हूँ, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि किसको किससे मिलाना है।
पहला इधर है अंतरिक्षी, दूसरा हमारा शब्द है बैल, फिर हमारा अगला शब्द है पैर पेल, और उसके बाद अंतिम जो शब्द है वो है कोल्लू वाला। तो इस प्रकार ये चार शब्द है अंतरिक्षी बैल पेल और कोल्लू वाला। और हमने इधर की साइड वाले जो शब्द है वो लिखती हूँ, वो है घंटी, कि बैल चलता जाता और धनी भी उसके साथ हिंदी
लगे तो यहाँ पर क्या शब्द आए।